नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। कांग्रेस ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। मेतेई संगठनों की अपील, केंद्र कूकी उग्रवादियों से न करे बात। आदिवासी निकाय ने की मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग। बिहार के सारण में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ 15 लोगों ने 7 दिनों तक किया सामूहिक दुष्कर्म। ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे WFI निर्वाचक मंडल से बाहर। पाकिस्तान रोमांस मामला, अंजू के परिवार ने घर छोड़ा, पड़ोसियों को पता नहीं। 25वें दिन 9000 लोगों ने पूरी की अमरनाथ यात्रा। ममता बनर्जी ने इंडिया नाम पर हमले को लेकर पीएम पर तंज कसा। ईडी ने सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी कांग्रेस विधायक के घर पर छापा मारा। ग्रेटर नोएडा में बाढ़ में डूबी ओला के यार्ड में खड़ी कारें, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से कॉलोनियों में घुसा पानी। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी, अब संसद में पेश किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों पर। उदयपुर वाटी नगर पालिका अध्यक्ष रामनिवास सैनी सस्पेंड, राज्य मंत्री घुड़ा के करीबी थे। उदयपुर में झांसे में लेकर 2 युवक करते रहे नाबालिग से दुष्कर्म, पकड़े गए। जयपुर में हरमाड़ा थाना क्षेत्र में चोरी टेम्पो भरतपुर पुलिस ने पकड़ा, संदिग्ध चालक डिटेन। आइए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की खास खबरें। फिल्म जवान में दिखेगा हॉलीवुड एक्शन निर्देशक स्पाइरो रजाटोस का धमाल। राजा कुमारी ने कॉन्सर्ट में गाया जवान का टाइटल ट्रैक, फैंस हुए सरप्राइज। आइए अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की प्रमुख खबरें। फीफा महिला विश्व कप, फिलीपींस ने न्यूजीलैंड को चौंकाया, कोलंबिया ने दक्षिण कोरिया को हराया। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में आचार संहिता उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। टाटा मोटर्स ए का साधारण शेयरों के साथ एकमात्र प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी के रूप में रुतबा बरकरार। कैन फिन होम्स की अंबाला शाखा के कर्मचारियों ने की 38 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। धोखाधड़ी मामले में ब्रिटिश भारतीय वकील को 2.8 करोड़ पाउंड से अधिक का भुगतान करने का आदेश। इजराइल वियतनाम ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।